धनेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्या मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयेस्तु। मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे ऑल टाइम फेवरेट श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। मेरे हेम, मेरे खेम, मेरे नेम गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः। शत्रुंजय मंडन श्री आदिनाथाय नमः। राजगुरु मंडन श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः। सूरी प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र जितेंद्र सद्गुरुभ्यो नमः। जिसकी ओरा में एंटर होते ही संयम के भाव आ जाते हैं, जिसका प्रसन्न मुख देखकर ही सारे संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं, जिसको डिस्क्राइब करने जाओ तो डिक्शनरी का हर एक वर्ड कम पड़ जाएगा। मेरे अनंत अनंत उपकारी सूरी प्रेम लब्ध प्रसाद दीक्षा दानेश्वरी पूज्य गुणरत्न सुरशजी मार साहेब के चरणों में कोटीश वंदन। धर्माचार्य भगवान को लग में आता है कि ट्रू शिष्य वो ही होता है जो प्रभु की आज्ञा को, गुरु की आज्ञा को नहीं बल्कि गुरु की इच्छा को फॉलो करता है। साहिब जी की आज्ञा देने से पहले ही जो उनकी इच्छा जानकर उसे पूर्ण कर देते थे, जैसे प्रभु वीर के गौतम, वैसे ही मेरे साहिब जी के गौतम पूज्य रश्मि रत्न सुश्री मार साहेब के चरणों में कोटीश वंदन। जिसकी भक्ति देखकर पूज्य कला पूर्ण सुरी मार साहेब की याद आती है, जिसकी जाप में एकाग्रता देखकर पूज्य भद्रंकर विजय जी मार साहेब की याद आती है, जो सदा ही शुद्ध आत्मा में लीन है 432 शिष्याओं की गुरु माँ प्रवर्ती पुण्य रेखा श्री जी मार साहेब के चरणों में कोटीश वंदन। सब मुझे पूछते हैं इफ यू आर सो वेल एजुकेटेड व्हाई आर यू चूजिंग संयम। मैं आपको पूछती हूँ इफ यू ऑल आर सो वेल एजुकेटेड व्हाई आर यू चूजिंग संसार। आग से जलते हैं ये जानने के लिए आग में हाथ डालना जरूरी नहीं है। सांप डंकेगा और हम मर जाएंगे ये जानने के लिए सांप के बिल में हाथ डालना जरूरी नहीं है। वैसे ही संसार असार है ये जानने के लिए सारे भोग सुखों को एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आप सबकी लाइफ से ही पता चल रहा है कि संसार असार है। जब प्रभु कृपा और गुरु कृपा बरसती है तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। मुंबई की हूँ, एम्बिशंस हाई थे, क्यों नहीं हो, बोर्ड में 98% जो आए थे, MBA करना था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना था, पर और प्लस मेरी कॉलेज लाइफ, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल, कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करना, एक्सप्लोरर थी, हर एक कंट्री को एक्सप्लोर करना था, लेट नाइट ड्राइव्स, पार्टीज, पर जब प्रभु कृपा और गुरु कृपा बरसती है तब सब कुछ अलग ही हो जाता है। मेरे परिवार के संस्कार ऐसे थे जिन्होंने मुझे हमेशा ही मुंबई के एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम किया है। मैं वो परिवार से हूँ जहाँ से नौ नौ रत्न ने अपनी लाइफ शासन को समर्पित की है, शासन को समर्पित किया है। पूज्य कल्याण रत्न मार साहेब जिन्होंने अनेक मुमुक्षुओं को इनकरेज किया है, आज उनका आलम्बन लेकर ही मैं इस दीक्षा पद पर चलने को तैयार हुई हूँ। पूज्य मोक्षांग रत्न मार साहेब, मेरे भुआ मार साहेब, विरांग रेखा श्रीजी मार साहेब हमेशा मुझे स्टोरी सुनाते थे जिससे मेरे मन में धर्म के संस्कार आए। परिवार में एक रूल था रात्रि भोजन त्याग, और इस रूल के वजह से मैं आधे पापों से बच गई। पापा जब भी मैं मोबाइल स्क्रॉल करती थी आते थे, मोबाइल साइड रख देते थे और मेरे हाथ में बुक देकर जाते थे, जिसके वजह से मेरे में धार्मिक संस्कार धार्मिक वांछन की हैबिट पड़ी। पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं एक टाइम गुरुकुलवास, करियर डिसाइड करने से पहले एक टाइम गुरुकुलवास में रहने जाऊं, और इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं गुरुकुलवास में रहने गई। मुझे तो दो दिन में ही मुंबई की याद आ गई। तब मैं साहिब जी के पास गई, मैंने साहिब जी को बोला साहिब जी घर की याद आ रही है, घर जाना है। तब साहिब जी ने एक बड़ी सी स्माइल देकर कहा रुक जा। ये दो वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि मैं आई तो दो दिन के लिए थी, गई 17 डेज बाद। अब वापस से मुंबई में आके मुंबई के ही रंग में लग गई, पर प्रभु की कृपा तभी भी बरसना बंद नहीं हुई मेरे पर। मैं जब भी पाप करने का सोचती थी प्रभु कोई ना कोई ऐसे सहयोग कर देते थे कि वो प्लान ही कैंसिल हो जाता था। जब मैं तब स्टार्टिंग में मैं गुस्सा होती थी कि प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो, तब विरांग मार्शल ने मुझे समझाया कि प्रभु की लीला ही न्यारी है, कभी वो डिजायर्स पूरी करके डिजायरलेस बनाते तो कभी डिजायर्स नहीं पूरी करके डिजायरलेस बनाते। जब मैं गोवा गई
तब इंस्टेड ऑफ एंजॉय मैं वहाँ पर रात को वैराग्य भरी बातें कर रही थी मेरे कल्याण मित्रों के साथ। जब यूरोप गए तब वहाँ पे आसक्त होने के बजाय मुझे वहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल देखकर वहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो गया। मैं हमेशा सोचती थी सुख कहाँ है, मैं हमेशा कंफ्यूजन में होती थी कि सुख तो यहाँ भी है, सुख तो वहाँ भी है, तो कौन सा सुख सच्चा। तब मैंने शालीभद्र की स्टोरी सुनी और सोचा कि शालीभद्र को तो मेरे से भी ज़्यादा अनंत घुना सुख था, तो उन्होंने वो क्यों छोड़ा। वो ये सोचते सोचते मेरे प्रॉब्लम का सलूशन आ गया। गुरु महाराज ने मुझे सच्चे सुख का मार्गदर्शन दिया, उन्होंने मुझे मोक्ष के शाश्वत सुख के बारे में बताया। आपको पता है जैसे प्रभु वीर ने गौतम को त्रिपदी दी थी, वैसे ही मेरे गुरु महाराज ने मुझे तारने के लिए पंचपदी दी है। मारे मोक्ष चबू छे, हूँ शुद्ध स्वरूपी आत्मा छु, हूँ विकल्प शून्य आत्मा छु, हूँ ज्ञानानंदमय आत्मा छु, हूँ पूर्णानंदमय आत्मा छु, उपयोग शुद्ध आत्मा मा, उपयोग शुद्ध आत्मा मा। तभी मान्यता के स्तर पर ये क्लियर हो गया था कि संयम ही लेने जैसे, पर संयम लेने के लिए सत्व नहीं आ रहा था। तब प्रभु नेम की कृपा मेरे पर बरसती। पता नहीं कब गिरना की नवानु यात्रा करते करते प्रभु नेम का अभिषेक देते देते देखते देखते मेरे में कब संयम के भाव आ गए, कब संयम लेने का सत्वा आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी मॉम, मेरे डैड की भी मेरे पर बहुत उपकार है, मेरे दादा दादी भी हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। आपको पता है क्या, उमरा संघ मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि जहाँ मेरी गुरुकुलवास की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी आज वहाँ ही मेरे गुरुकुलवास में आजीवन रहने का लाइसेंस मुझे मिल रहा है। वो पाठ देख रहे हो, वहाँ पर रोज साहिब जी बैठते थे और लास्ट टाइम भी मैं साहिब जी को वहाँ भी ही मिली थी। मैंने जब पूछा उनको मेरी दीक्षा तो हो जाएगी ना, तो साहिब जी ने दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर कहा था दीक्षा हो जाएगी। आज वो फेस मुझे हमेशा ध्यान है, क्योंकि और ऐसा लग रहा है साहिब जी आज यहाँ पर ही प्रेजेंट है, मेरे पर अनंता कृपा बरसा रहे, मेरा मुहूर्त देने यहाँ पर आए हैं, मेरा मुहूर्त देने यहाँ पर आए हैं। आज जब मैं गुरुदेव को वही पाठ पर विराजते हुए देखती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे साहिब जी मेरे गुरुदेव में समा गए, मेरे साहिब जी मेरे गुरुदेव में समा गए। तू सूरज ने हूँ तारी रज, कहू छू एक दिल नी अरज, तू तारण्य मारू शरण, के मल तुज हस्ते रजो हरण, के मल तुज हस्ते रजो हरण। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तब आई वॉज एवरीथिंग, प्रभु वॉज नथिंग। जब मैं प्रभु को थोड़ा थोड़ा जानने लगी तब आई एम समथिंग, प्रभु इज समथिंग। बट अब जब मैं प्रभु को पूर्ण तरीके से जान रही हूँ और उनकी कृपा का अनुभव कर रही हूँ, तब प्रभु इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग, प्रभु इज एवरीथिंग, आई एम नथिंग। मॉम, आपने मेरे पर बहुत उपकार किए है, मुझे पता है आपको मेरे से बहुत मोह था, पर तो भी आपने आपके दिल पर कलेजे का पत्थर रखकर आपने मुझे आज्ञा दी। मॉम थैंक यू, बस अभी मेरे पद पर मेरे साथ आओ, वो ही मैं हमेशा विश करूंगी। गुरुदेव श्रामण्य का शंखनाद हो रहा है, मेरी आंखें जगमगा रहे हैं, मेरे पैर थनगना रहे हैं, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। गुरुदेव प्लीज वो मंगल मुहूर्त प्रदान करो, वो मंगल मुहूर्त प्रदान करो।